हाय, क्या आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा कियोस्क लेना चाहिए? मार्केट में अलग अलग कियोस्क अवेलेबल है, लेकिन आपको भाव अलग अलग मिल रहा है। आपको कौन सा कियोस्क लेना चाहिए सो दैट आपका पैसा सही इन्वेस्टमेंट पे जाए? कौन सा कियोस्क लेना चाहिए जो सालों साल तक चले, ड्यूरेबिलिटी हो और आपको किसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो? कौन सा ऐसा कियोस्क लिया जाए जो आप रखे तो आप जिधर भी रखे उसका ब्राइटनेस इतना होए आपके जगह पे वो निखर के दिखे। अगर आपकी चिंता ये है, एंड इफ दिस इज योर कंसर्न, यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। माई नेम इज सतीश विलायत एंड आई एम फ्रॉम bigcdisplays.com। ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से चार प्रकार के कियोस्क मिलते हैं मार्केट में, तो जो आप खरीदने को जाओ आपको समझ में आ जाए कि यही प्रोडक्ट है जो मुझे खरीदना है, ये मेरे बजट में बैठता है, दिस इज द प्रोडक्ट आई नीड। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी इक्विप्ड विद द नो हाउ विच कियोस्क टू बाय। पहला टाइप ऑफ कियोस्क, सबसे बेहतरीन, द टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट। इसमें क्या खासियत है? सबसे पहली खासियत ये है कि इसके अंदर ये जो साइड बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम में खासियत यह होती है कि हीट डेसिपेशन अच्छा होता है, तो इसमें हीट डेसिपेशन अच्छा होता है। दूसरी बात, जब आप एक ग्लास को प्रेस करते हो तो ग्लास में कोई भी प्ले नहीं दिखता है, तो कभी भी किधर भी लगाओगे, बाय एनी चांस आपने ऑडियो डाला तो हो सकता है कि ये ग्लास थोड़ा वॉबल हो गए। तीसरी बात, दूर से जब आप देखेंगे तो ये आईफोन लुक देता है। चौथी बात, ये जो ग्लास है ये 5mm टफन ग्लास है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो नीचे जो आपको दिख रहा है बेस, ये अलग हो सकता है, दोनों एक ही पैकिंग में आ सकते हैं, और ये इजी हो जाता है जब आप पैकेजिंग करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ये एक खासियत है ये पर्टिकुलर कियोस्क की। इसकी दूसरी खासियत, ये जब मैं घुमाता हूं तो इसमें वेंट्स देखिए, कितने सारे वेंट्स है, ओके, और नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो पोर्ट्स है ना, एक्सटर्नल दिए हुए हैं, देखिए एक्सटर्नल दिए हुए हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आदमी को यूएसबी लगाना पड़ता है, इथरनेट लगाना पड़ता है, तो उसको ये दरवाजा खोलने के बाद सब कनेक्शन मिलता है, तो उसको इनकन्वीनियंस होता है ये चीज करने का। इधर सब कुछ एक्सटर्नल है, आपने दिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और कुछ भी बाहर से लैपटॉप लगाना है तो चीजें ईजी हो जाती है इसके अंदर, ओके। अभी अंदर इसका देखते हैं, सिस्टमैटिक है हर एक चीज, स्पाइक गार्ड लगा हुआ है, इधर प्रोविजन दिया हुआ है आपको कि आप कोई भी मीडिया प्लेयर लगाना है तो इसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि इसमें हीट डेसिपेशन बरोबर होवे, तो जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर ऐसा वाला पैनल, ये फुल पैनल जो है जो आपको मार्केट में मिलता है, ये ब्रांडेड पैनल है। इसमें खासियत ये है कि बनाया इसीलिए किया गया है कि आप इसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, और ये ब्रांडेड पैनल कंपनी से 3 इयर्स की वारंटी के साथ आते हैं और पैन इंडिया सर्विस मिलता है। इसमें अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, LG आता है, सैमसंग आता है, पैनासोनिक आता है, सोनी आता है, फिलिप्स आता है, वेस्टल आता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो आप चूज कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से और इसके अंदर फिट कर सकते हैं। 3 साल की वारंटी आती है ये पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका जो मेटल एंक्लोजर है उसका कॉस्ट 10-15% होता है, बाकी आपका 85% कॉस्ट सिक्योर्ड रहता है। अगर कुछ हो गई अनबन तो आपको एटलीस्ट वारंटी मिल जाएगी ये पैनल के ऊपर। नेक्स्ट, अगर आपका बहुत ब्राइट एम्बियंट लाइट है, लाइट बहुत ज्यादा है, तो पैनल आप ज्यादा ब्राइटनेस का ले सकते हो, तो आप जिधर भी ये कियोस्क लगाओगे उधर वो निखर के आएगा बाहर, और ऐसे कियोस्क खरीदने से आपको कोई रिस्क नहीं है, वारंटी प्रिंसिपल कंपनी कवर करती है। ये पहला टाइप ऑफ कियोस्क का नाम है बिटसी मॉडल ए कियोस्क। सेकंड टाइप ऑफ कियोस्क, बिटसी मॉडल एस कियोस्क। इसमें क्या फर्क है? ये पहले मॉडल ए का जुड़ा हुआ ही है, मॉडल एस कियोस्क। इसमें जो साइड का फ्रेम देखते हो ये एल्यूमिनियम का नहीं, ये MS का है। दूसरी बात यह है कि इसको आईफोन लुक नहीं है, नीचे से देखो ये स्ट्रेट है, उसमें पहले वाले में ये
एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है, लुक वाइज काफी बेहतर होता है। थोड़ा ग्लास में क्ले है, सेम 5mm टफन ग्लास है और उसके अंदर भी ऐसा वाला पैनल जैसा ये पैनल है, ब्रांडेड पैनल इसके अंदर डाल सकते हैं, जो बनाया ही इसके कारण किया गया कि वर्टिकल इंस्टॉल हो सके वो पैनल, और उससे उसकी जिंदगी बढ़ती है। पीछे मुड़ के देखेंगे अगर हम इसे, तो इसमें वेंटिलेशन ब्लाइंड्स जो है वो कम है, और अंदर अगर हम खोल के देखते हैं इसका ये, तो इसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है। आपको अगर मीडिया प्लेयर वगैरह लगाना है, स्पाइकर लगाना है, तो अलग से प्रोविजन आप कर सकते हो। इसके अंदर एक्सटर्नल कनेक्टर्स नहीं है। इसका फायदा यह है कि अगर आपको किसी को ये सुविधा नहीं देनी है कि कोई भी आदमी कुछ भी कनेक्ट कर सकता है, तो इस तरीके का कियोक्स चल सकता है। और एक और बात, इसका जो बेस है ना, ये परमानेंटली वेल्डेड है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब अगर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, तो इसको बरोबर पैकिंग करके खड़े खड़े या सोते हुए आप इसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। थोड़ा अच्छी तरह पैकिंग करके इसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। सेम 3 साल की वारंटी आती है, आपको कोई रिस्क नहीं है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने में। वारंटी प्रिंसिपल कंपनी कवर करके देती है। तो ये है बिट्सी मॉडल एस कियोक्स। तीसरा टाइप ऑफ कियोक्स, बिट्सी हाफ फ्रेम कियोक्स। हाफ फ्रेम कियोक्स का मतलब क्या है कि ये हाफ ही फ्रेम है, ये मेटल है, इधर ग्लास भी नहीं है, डायरेक्ट एलसीडी का जो डिस्प्ले दिख रहा है डायरेक्ट दिख रहा है। इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड लुक है, आप पीछे जाके अगर देखेंगे तो इस तरीके का आपको डोर मिलता है। टिपिकल पैनल है, जिस तरीके का मैंने पैनल आपको दिखाया था, ये एक ब्रांडेड पैनल है जो कोई भी ब्रांड का आप लेके इसके अंदर डाल सकते हैं। वारंटी जो है 3 इयर्स की प्रिंसिपल कंपनी से मिलती है। आपको जो भी मीडिया प्लेयर वगैरह लगाना है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सिंपल है, उन दोनों मॉडल से सस्ता है, एक्सटर्नल कनेक्टर्स नहीं है, तो आपको जो भी कनेक्शन करना होगा अंदर से पहले से ही करके रखना पड़ेगा। नीचे का जो आप ये फ्लोर होल्डिंग के लिए देख रहे हैं, ये इसके साथ वेल्डेड है, तो आपको इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। इसको रिस्क नहीं है बाइंग के लिए, क्योंकि पैनल 3 इयर्स वारंटी के साथ में है और दूसरे दो मॉडल से थोड़ा सस्ता है। और आपको ग्लास लगाना है आगे, तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बिट्सी हाफ फ्रेम कियोक्स। तो ये चौथा टाइप ऑफ कियोक्स है, बिट्सी ओपन फ्रेम कियोक्स। अभी ओपन फ्रेम कियोक्स क्या होता है ये देखिए। ओपन फ्रेम कियोक्स में ऐसा पैनल अलग से आता है, उसके जो डिस्प्ले के पुर्जे रहते हैं अंदर इस तरीके से पीछे डिस्प्ले के पीछे डाले जाते हैं। आप आइए देखिए ये इस तरीके से होता है। देखिए इसके अंदर मदरबोर्ड अलग से डाला है, पावर सप्लाई अलग से डाला है और स्पीकर अलग से डाला है, मतलब पुर्जे अलग अलग है, एक साथ डिस्प्ले नहीं है, उसे पुर्जे अलग अलग है। अभी आप इधर देखेंगे तो बहुत पतला है, ये है चाइनीज। इसी तरीके से ही कियोक्स इंडिया में बनते हैं, जो नीचे से ज्यादा करके आपको पहचान करनी है तो नीचे से वो इस तरीके से रहेंगे, जिसके कारण आप उसका मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ अंदर डाल सको। दिखने में पतले दिखाई देंगे क्योंकि पैनल ही इंस्टॉल होता है। अभी इसके अंदर जो वारंटी रहती है वो ज्यादा करके 1 साल की रहती है, पैन इंडिया सर्विस नहीं मिलती है ज्यादा करके, और इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो स्टैंडर्डाइज होता है, और दूसरे जो मैंने इसके पहले 3 बताए थे उसमें इस तरीके के ब्रांडेड पैनल्स होते हैं, ब्रांडेड ऐसे ब्रांडेड पैनल्स होते हैं जिसमें आपको वारंटी कंपनी से 3 साल की मिल जाती है। इसके अंदर वेंट्स थोड़े कम है और हीट डिसिपेशन थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर, और मार्केट में आप देखोगे इंडिया मार्ट वगैरह ऐसे जगहों पे बहुत कम भाव में बिकते हैं। है सस्ता, कोई भी आदमी किधर से भी कोई भी पुर्जे लेके बना सकता है। तो ये चौथा टाइप ऑफ कियोक्स है, बिट्सी ओपन फ्रेम कियोक्स। आई होप ये जो वीडियोस आपने देखा है वो आपको काम आएंगे। और जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक नीड एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है,
वो अगर आप भरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे bitsydisplay.com यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।